आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। रुक जा महेश, मैं तुझे यहां रहने की इजाजत कभी नहीं दे सकती। खुश रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। अगर इस घर में मेरे पापा को रहने की इजाजत नहीं, तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। इतनी रात हो गई है, पता नहीं लड़की कहां चली गई है। सब दोस्तों को फोन किया लेकिन कुछ पता नहीं चला। कहीं महेश के पास तो नहीं गई? पीजी, मानवी कहाँ चली गई थी बेटा? ये किसे लेके आई तू यहां? इसकी हिम्मत कैसे हुई घर में आने की? पीजी, आपका बेटा घर आए, क्या क्या आप उन्हें देखकर खुश नहीं? क्या हम सब पिछली बातों को भुलाकर खुशी से नहीं रह सकते? चलिए पापा, अंदर आइए। महेश, मैं तुझे यहां रहने की इजाजत कभी नहीं दे सकती, क्योंकि इस घर में मेरी बहू की आत्मा बसती है। वो तुझे देख के कभी खुश नहीं होगी, अपने आप को अपमानित महसूस करेगी वो। और मैं अपनी बहू के साथ ऐसी नाइंसाफी हरगिज नहीं होने दूंगी। पीछे आप ऐसे क्यों? चुप कर, मैंने तेरी कोई बात नहीं सुननी। तूने भले अपने बाप के गम को भुला दिया हो, लेकिन मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे लिए तो ये उसी दिन मर गया था जब मैंने अपनी बहू को खोया था। मैंने कसम खाई थी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस पापी को कभी माफ नहीं करूंगी।
और अगर ये मर भी जाए तो इसका मुंह कभी नहीं देखूंगी। और तो ऐसे इंसान को इस घर में लेके आई क्यों मानवी, क्यों? कह दे से अभी इसी वक्त वो यहां से चले जाए। बीजी प्लीज, मानवी बीजी ने कुछ गलत नहीं कहा, इनका गुस्सा इनकी नाराजगी बिल्कुल सही है। बेटे तुमने मुझे माफ कर दिया, मेरे लिए यही काफी है, बाकी सब मुझे माफ करे मुझे उसकी उम्मीद नहीं है और ना ही मैं उनके माफी के काबिल हूं। जो भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन अब बहुत वक्त बीत चुका है, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। मेरे हाथ में प्रायश्चित के अलावा और कुछ भी नहीं है, लेकिन बड़ी बीजी आप लोग घबराइए मत, मैं दोबारा आप लोगों को तंग करने कभी नहीं आऊंगा। खुश रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। अगर इस घर में मेरे पापा को रहने की इजाजत नहीं तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। हम दोनों इस घर से चले जाएंगे। ये क्या बचपना है मानवी, तुझे क्या लगता है तेरी हर जिद के सामने हम अपना सर चुका देंगे, और वो भी किस लिए? एक ऐसे इंसान के लिए जिसकी वजह से तूने अपनी मां खोई है। मेरी मां भी अगर आज इस दुनिया में जिंदा होती ना बीजी तो वो भी यही करती। आप ही तो हमेशा बताती हो ना कि मेरी माँ मरते दम तक मेरे पापा से प्यार करती रही, बल्कि अगर मेरी माँ आज ऊपर से ये सब देख रही होगी ना तो मुझे शाबाशी दे रही होगी, मेरे ऊपर गर्व महसूस कर रही होगी कि मैंने इस परिवार के बेटे को उनसे मिलवाया। मैंने कुछ गलत नहीं किया बीजी, आप क्यों नाराज हो रही हैं? मानवी सही कह रही है, मानवी की मां होती ना तो वो भी वही चाहती कि उसका पति इस घर में रहे। जो भी उसने किया उसकी सब गलती तो भूल जा, अतीत को भूल जा, वो तेरा बेटा है, अपना ले उसे, तू उसको गले लगा ले। हाँ बीजी माफ कर दीजिए ना भाई साहब को। नहीं, जो सब कुछ छोड़कर चला गया था उसके साथ फिर से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना मैंने। भगवान चाहे इसकी गुनाह को माफ कर दे, लेकिन मैं जिंदगी भर इसे माफ नहीं करूंगी। ठीक है बीजी, अगर यही आपका आखिरी फैसला है तो मैं भी अपने पापा के साथ ही घर छोड़ दूंगी। और हम यहां पे वापस कभी नहीं आएंगे। आखिर है तो तू अपने बाप की बेटी ना, जो अपनी जिद की वजह से घर छोड़कर चला गया था, और अब तू जिद करी कि वो वापस घर में आ जाए। ठीक है, तुम दोनों की जो मर्जी तुम करो, लेकिन ये कभी मत समझना कि मैं उसको माफ कर दूंगी।
आप टेंशन मत लीजिए, बीजी का गुस्सा ज्यादा देर का नहीं है, बहुत जल्द शांत हो जाएगा और वो आपको माफ कर देंगे। हाँ बेटा वो तो हो जाएगा। अरे पिंकी जी, जा आरती का सामान लेके आ। जी अभी लाई। चलिए पापा। भाई साहब आपका, आइए। बड़ी बीजी मुझे माफ कर दीजिए। बड़ी बीजी मेरी वजह से आप लोगों को इतनी तकलीफ उठानी पड़ी, आप सॉरी। बड़ी बीजी रो मत बेटे, बहुत परसों के बाद हमारा बेटा वापिस आया है, अब तो खुशियों का दिन है बेटा। हाँ बेटा गले लग दे। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।